स्वास्थ्य समस्या बहुत बड़ा समस्या है, पानी निकासी, पेयजल, सब बहुत बहुत बड़ा समस्या है यहाँ। जल का, नल का बहुत देखा हूँ मैं, सब को दूर करूँगा, जनता के बीच में रहूँगा। हम इस पद पर जीत के बैठने के लिए, घर में बैठने के लिए या कुर्सी पर बैठने के लिए नए खड़े हुए हैं। जनता के समस्या के लिए भी हम उनके पास जाएंगे, वो भी मेरे पास आएंगे, लेकिन हम भी उनके पास जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। चुनाव आयोग के घोषणा करते ही मोकामा में उम्मीदवारों में खलबली सी मच गई। इस दौरान आज हम मौजूद है मोकामा के बहुचर्चित समाजसेवी कन्हैया जी के यहाँ। इनकी धर्मपत्नी नीतू देवी जो है उप अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रही है, मोकामा सभापति के पद पर चुनाव लड़ रही हैं और मोकामा के जनता के बीच जा जाकर गुहार लगा रही हैं। यही नहीं बल्कि मोकामा में तमाम प्रत्याशी, वार्ड पार्षद हो या उपसभापति हो या फिर सभापति, ये तीनों जो है जनता के बीच जा जाकर वोट की गुहार लगाने लगे हैं। इस बीच इनसे हम बात करेंगे कि ये जनता के बीच जा रहे हैं और उनके बीच क्या इनको सुनने को मिल रहा है, क्या नगर परिषद में विशेष समस्या को यह देख रहे हैं और आने के बाद अगर यह चुनाव जीतते हैं तो मोकामा में पहली प्राथमिकता क्या रहेगी इनकी और किन कार्यों को यह विशेष ध्यान देंगे, कहाँ कमी देखे हैं और कहाँ किस कमी को पूरा करेंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले कन्हैया जी हैं। कन्हैया जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका, धन्यवाद स्वराज भारत का जिन्होंने आए। चलिए ये बताइए, आप तो समाज में पहले से एक जाना माना चेहरा हैं और आज जो पूरा नगर परिषद में आप वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं, ठीक, तो क्या लगता है? मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, मैं जन जन में जाता हूँ, सभी जगह से भरपूर समर्थन मिल रहा है, मैं सदा जनता के बीच में रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा और खूब करूँगा। मैं सारी बहुत सारी कमियाँ देखता हूँ, रोज घूरता हूँ फिरता हूँ, जल का, नल का बहुत देखा हूँ, मैं सब को दूर करूँगा, जनता के बीच में रहूँगा और जनता का आशीर्वाद मुझे खूब मिल रहा है। चुनाव लड़ने का विचार किसके मन में आया था, आपके मन में या फिर मैडम के मन में? हम दोनों ही, अरे हम बाजार में रहते थे, जनता के बीच में ही जुड़े रहते थे, मैडम के भी यहाँ पत्नी है, यहाँ आना जाना इनका भी समाज में योगदान रहता है, यहाँ सभी वर्ग के लोग आते जाते हैं, इनसे मिलते जुलते रहते हैं, सभी का भावनाओं का ख्याल रखते हैं। मैं भी इनकी रुचि को देखा कि समाज में इनकी रुचि है, तो पहले तो मैं खड़ा खुद घोषणा किया था, उसके बाद महिला सीट हो जाने के कारण इनकी भी दिलचस्पी में बहुत दिन से समाज कल्याण में देखता था, तो मैंने इनको उतारने का फैसला किया। तो विशेष अभी जो वर्तमान उम्मीदवार हैं उनसे हम बात करेंगे, आखिर जानेंगे इनका रुचि क्यों है मोकामा के उपसभापति का चुनाव लड़ने का। नीतू जी, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। जी धन्यवाद आपका कि आपके माध्यम से मेरा आवाज़ जनता के पास जाएगा, पहुंचेगा, इसके लिए धन्यवाद आपका। आप जो है क्या मन में आया, मतलब कि चुनाव लड़ना चाहते हैं पहले? बस जनता की सेवा, सिर्फ सेवा ही भाव है मेरा। लेकिन मोकामा की जनता तो कह रही है कि यहाँ जितने भी प्रत्याशी आए सिर्फ लूट खसोट करने के लिए। अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपना बता सकते हैं कि मतलब हमको मौका दिया जाए, अगर हम उपसभापति में जीतते हैं तो जनता का जितना भी दिक्कत है सबसे पहला मेरा काम होगा उस सबको दूर करना। तो चेयरमैन छोड़ के, मतलब सभापति छोड़ के उपसभापति में ही क्यों? क्योंकि हम पूरे मोकामा में घूमते हैं, पूरे मोकामा का स्थिति हम देखे हैं। वार्ड में खड़ा होने का मतलब था कि सिर्फ हम एक वार्ड के लिए कुछ कर सकते थे, पर उपसभापति में खड़ा होने का मतलब है कि हम पूरे मोकामा के लिए कुछ कर सकते हैं, पूरे मोकामा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभापति होते तो पूरे और मोकामा कर सकते, तो वहां तो बंधे भी नहीं। नहीं तो बोले तो हम कि निचली सीढ़ी से शुरुआत करना चाहते थे। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, मोकामा जनता के बीच आप गए हैं? जी हाँ बिल्कुल, घूमे हैं। क्या समस्या देखे? बहुत सारी समस्या देखे हैं और हम उसको नोट भी किए हैं ताकि हम, हाँ बिल्कुल, कि जैसे हम देखे यहाँ स्वास्थ्य समस्या बहुत बड़ा समस्या है, पानी निकासी, पेयजल,
सब बहुत बहुत बड़ा समस्या है यहाँ, ट्रामा सेंटर का ना होना, ना खुलना। ट्रामा सेंटर तो खुला हुआ है, मतलब चालू तो नहीं है वहाँ, कुछ सुविधा तो नहीं है, सुविधा तो मिल नहीं रहा है। क्या सुविधा नहीं है? जैसे ब्लड, अभी किसी को कुछ हुआ, ब्लड एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, ब्लड का जरूरत पड़े, है ब्लड, आपको भी पता होगा, बैंक तो नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस दो चार बेड है, अभी शुरू कहाँ हुआ है अच्छे से। अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, तो कैसे दूर कीजिएगा? स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कैसे खत्म कीजिएगा? मतलब उसके लिए देखेंगे कहाँ क्या किया जाए, आवाज उठाएंगे, ऊपर तक जाएंगे कि यहाँ के बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। जी, मेरे जो मुझसे हो पाएगा। पेयजल की समस्या कैसे निदान कीजिए? बहुत जगह यहाँ है, जैसे पानी टंकी का आप ले लीजिए, पानी टंकी तेरहा से लेके पचमहला तक का बिल्कुल खराब है, तो पेयजल का स्थिति खराब ही है। बहुत जगह ऐसा है, बहुत वार्ड में ऐसा है कि पाइप तो पानी का बिछ गया है पर पानी नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है बिल्कुल, तो सब तो दिक्कत ही है, तो सबको तो दूर करना ही है। और सबसे बड़ा दिक्कत पानी, जो हमारी मतलब हमेशा 24 घंटा का जरूरत है, उसका दिक्कत है। और क्या क्या परेशानी मतलब देखे हैं वार्ड में? वो जल निकासी का है, आप देखिए बारिश हो गया तो कुछ जल जमाव हो जाता है, एक भी रोड में जल निकासी का, नाली में जल निकासी का अथी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कहाँ कहाँ यह समस्या फेस करने को मिला है? बहुत जगह, सब जगह आप उठा के लीजिए, सब जगह है। कहीं एक का नाम वार्ड ये इंदिरा नगर में है, हाँ, और बहुत मोकामा में तेरा सकरबार टोला में देख लीजिए, उठा के सब जगह है, बहुत जगह। वहाँ की स्थिति को आप जाकर देखें? बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। चलिए ये बताइए, जनता आपको समर्थन क्यों करे, क्योंकि आपके सामने भी तो कई उम्मीदवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको पता है, बहुत दिन से हम लोग इसी समाज में रह रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं लोगों से, मेरे पति भी हैं, मार्केट में रहते हैं, लोग देख रहा है कि हाँ क्या इनकी मंशा है, कैसे ये लोग हैं, तो उनका प्यार हमको पता है कि मिलेगा ही, वो लोग जान रहे हैं कि इस पद पे आने के बाद हम समाज के लिए अच्छा ही करेंगे। ये जवाब तो सभी उम्मीदवारों का है। अब हम सभी उम्मीदवारों का तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम अपना कह सकते हैं। मतलब आप मतलब पूरा भरोसा है कि जनता पर? बिल्कुल बिल्कुल, हम जनता से अपील भी करना चाहते हैं कि आप लोग अपना समर्थन और विश्वास हमको दीजिए, फिर हम आपके लिए जो भी अच्छा होगा, जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। अच्छा, नगर परिषद में सबसे मतलब पिछड़ा वार्ड कौन सा देखें? इंदिरा नगर सबसे पिछड़ा वार्ड में? हाँ, इंदिरा नगर, वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब, हर घर में जल जमाव। तो कैसे दूर कीजिएगा इस चीज को? उसके लिए व्यवस्था करेंगे, सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे, जो अच्छा हो सके, पानी निकासी के लिए जो भी हो सके वो काम करेंगे। जीतने के बाद सबसे पहला कार्य क्या रहेगा आपका? जहाँ पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना सबसे पहला काम, और उसके बाद जनता का जो भी दिक्कत होगा, हम इस पद पर जीत के बैठने के लिए, घर में बैठने के लिए या कुर्सी पर बैठने के लिए नए खड़े हुए हैं। बाकी जितने भी उम्मीदवार आते हैं, जीतने से पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं अपनी जनता से, लेकिन जीतने के बाद तो फिर बस रुपयों का खेल शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक रुपया की बात है तो मैं मानती हूँ इस बात को कि अगर धन बल से हम किसी की मदद कर सकते हैं तो उसके लिए हमको कुर्सी पावर की जरूरत नहीं है। हमारे आस पड़ोस में इतने लोग रहते हैं कि हम चाहें तो बिन धन बल से उनका मदद, बिन किसी कुर्सी पर बैठे हुए भी कर सकते हैं, किसी पावर पे ना होके भी हम कर सकते हैं। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों चीज से हम जनता की मदद करें, पावर से भी और धन बल से भी, मतलब दोनों तरह से आप मदद। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मंशा है, इसी कारण हम इस मतलब कुर्सी के लिए खड़े हुए हैं। नगर परिषद के सौंदर्यीकरण मतलब विकास का क्या रोड मैप है पूरा? अब देखिए जहाँ जहाँ जो भी दिक्कत है, ये तो दिक्कतों का आपने बताया कि पाइप, कहीं पाइप नहीं, पाइप है तो पानी नहीं है, कहीं जल जमाव है और स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, लेकिन इसके अलावा मोकामा का जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए उसमें क्या लगता है? मोकामा कितना? उसमें तो मोकामा में थोड़ा बहुत काम होना चाहिए,
लेकिन जो मेजर समस्या है हमको लगता है कि पहले उस पर काम होना चाहिए, पहले मेजर समस्या। हाँ, जो बहुत बड़ा समस्या है, जैसे किसी को एक एक्सीडेंट किसी का हो गया, छोटा सा ही एक्सीडेंट मानिए, उसके उपचार का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो सबसे पहला काम वो होना चाहिए। मतलब सुंदरीकरण छोड़कर सबसे पहला जो मेजर समस्या, बिल्कुल सबसे पहला वो, सेकेंड ये, सेकेंड ये बिल्कुल। चलिए ये बताइए, अभी जनता के बीच आप पहले से जा रहे हैं, अभी और जाइएगा जी, हाँ। तो जनता कैसे मतलब भरोसा करेगी? देखिए अभी हम, अभी तो हम इस पद के लिए खड़े हुए हैं तब जनता के बीच जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जनता जो यहाँ आते हैं बैठते हैं उनसे हम मिलते हैं, उनके लिए जितना हो पाता था वो हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद भी करते थे। एक सवाल है कि मोकामा में वार्ड पार्षद हो या वॉइस चेयरमैन हो या फिर चेयरमैन, जी हाँ, तीनों इसे अगर जो जो अपने पत्नियों को जिताते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, अगर कार्य क्षेत्र की बात हो या जनता से मिलना हो तो उनके पति मिलते हैं ना, उनकी पत्नी जो है कार्यालय तक जाना नहीं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप कार्यालय जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल। जनता से आप मिलेंगे? जी हाँ, जनता से हम भी मिलेंगे। चुनाव जीतने के बाद भी? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं। जनता के पास अभी वोट मांगने जा रहे हैं या जनता की समस्या आएगी तो जनता के पास जाइए? जनता के समस्या के लिए भी हम उनके पास जाएंगे, वो भी मेरे पास आएंगे लेकिन हम भी उनके पास जाएंगे। जी हाँ जी हाँ। ये थे नीतू देवी जो मोकामा में उपसभापति के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। इन्होंने बताया कि मोकामा में कई बड़े बड़े समस्याएं हैं, जैसे जल जमाव की स्थिति है, पाइप है तो कहीं पानी नहीं है, और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति जो इन्होंने बताया वह तो बिल्कुल 100% सही है। तो ऐसे ही छोटे बड़े खबरों से अवगत रहने एवं मोकामा नगर निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के तमाम छोटे बड़े मुद्दों को देखने के लिए आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।